वेलकम टू कार्सिंगला। तो दोस्तों देख सकते हैं आज का वेदर हमारे कोश्यांग दार्जिलिंग का। तो आज हमारे कोश्यांग में बहुत धूप खिला है दोस्तों, देख सकते हैं, और क्लाउड भी कितना अच्छा दिखाई दे रहा है दोस्तों। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, ला 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 ला, हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं अपने लिविंग रूम का थोड़ा सा कुछ चेंजेस कर रही हूँ, तो आप इसलिए मैं आप लोगों के साथ आज मैं शेयर करने जा रही हूँ दोस्तों। तो दोस्तों वह है कि मैंने अभी थोड़ा सा ये है ना, मैंने पर्दा वगैरह तो अभी चेंज कर दिया है दोस्तों। तो अभी मैं अभी कवर्स चलाने जा रही हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं मैं कुशन में कवर चला रही हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने सारे कुशन्स में कवर चढ़ा लिया है। तो अभी मैं ये सारे को यहाँ पे साइड रख रही हूँ दोस्तों। तो अभी मैं यहाँ पे ये सोफे का जो मेरा डनलप है ये सब में मैं अभी कवर चढ़ाने जा रही हूँ दोस्तों। और कवर को अभी मैं ये सीधा कर रही हूँ। तो ये इनको सारे कवर को सीधा करके मैं अभी इसको डनलप पे चढ़ाऊँगी दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे मैं कवर चढ़ा रही हूँ अपने डनलॉप पे। तो मैं पहले अपने ये छोटे वाले डनलॉप पे कवर चढ़ाऊँगी, तो उसके बाद मैं बड़े वाले डनलॉप पे कवर चढ़ाऊँगी दोस्तों। तो देख सकते हैं। तो दोस्तों देखिए ये वाला डनलॉप में थोड़ा दिक्कत रहता है कवर लगाने में, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइट रहता है डनलॉप, क्योंकि ऐसे सुकड़ता नहीं है। तो इसीलिए जैसे कुशन वगैरह ऐसे अच्छे से मतलब हल्की होती है तो दब जाती है, लेकिन डनलॉप थोड़ा मोटा होता है तो धीरे धीरे इस पर कवर चढ़ाना पड़ता है दोस्तों, नहीं तो साइट वगैरह में फट जाती है। तो इसीलिए मैं धीरे धीरे से इस पर कवर लगा रही हूँ। तो अच्छी तरह से इसको सेटिंग करना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि इसका जो अगर हम लोग अच्छी तरह से इसको सेटिंग नहीं करेंगे तो इधर उधर मतलब जाने का डर रहता है। तो अभी देखिए दोस्तों मैंने पूरा सेट कर लिया है, तो मैं अभी इस पर दूरी लगा रही हूँ। तो देखिए मेरा पूरा सेट हो गया है एक दोस्तों, देख सकते हैं। और ये यहाँ पीछे का डनलॉप है, तो मैंने इस पर अभी कवर चढ़ा लिया है। तो अभी मैं दूसरे डनलॉप पे भी कवर चढ़ाने जा रही हूँ दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने पूरा लगा लिया है। तो ये भी देखिए हम लोगों ने कुशन के कवर के जैसे इसको सिलवाया है दोस्तों, और यहाँ पे हमने दूरी भी दिया है। तो ये सब हम लोगों ने एक सेट मतलब ख़रीदा है, ये थान के जो कपड़ा मिलता है ना, तो उसी से हम लोगों ने ये पूरा पर्दे का, ये सोफ़े का और ये
पूरा सेट हम लोगों ने सिलाया है दोस्तों। तो देखिए अभी सब रेडी हो गया है, ये कुशन वगैरह का भी सब और दीवान बेड का भी मैंने सब लगा लिया है दोस्तों। तो अभी तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सब मैं कवर चढ़ा लिया है। तो मैं अभी प्रॉपर वे में सबको अपने अपने जगह पे सेट कर दूंगी दोस्तों, देख सकते हैं। मैंने सब सेटिंग कर लिया है दोस्तों। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा मैं सोफे वगैरह को इधर उधर पे सेट कर लूँ, थोड़ा सा इसका डायरेक्शन चेंज कर लूँ दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं ये वाला दीवान बेड इस दीवार पे था, तो मैंने सवेरे ही इसको यहाँ उधर पे कर दिया है दोस्तों। तो अभी मैं इस दीवार पे मेरा दो छोटा जो सोफ़ा है उसको यहाँ पे लगा दूंगी। तो देखिए दोस्तों मैंने ये दो सोफे को यहाँ पे लगा दिया है। अभी मैं ये मेरा जो फ्लावर पॉट स्टैंड है उसको भी मैं यहाँ पे रख दूंगी दोस्तों। तो देखिए ये वाला मम्मी ने स्टिच किया है दोस्तों, तो अभी इसको भी मैं वहाँ पे लगा दूंगी दोस्तों। तो देखिए कितना अच्छा दिखाई दे रहा है दोस्तों मेरा फ्लावर वास स्टैंड। तो दोस्तों अभी मैं यहाँ पे कुशंस वगैरह भी सोफे पे लगा दूंगी और पूरा अच्छी तरह से सेट कर दूंगी दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं ये वाला फ्लावर स्टैंड भी मैं यहाँ पे रख रही हूँ। तो अभी मैं यहाँ का भी सेटिंग कर रही हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं अभी इस कोने में अपना ये सेंटर टेबल भी यहाँ पे रख रही हूँ दोस्तों। देखिए मैं लगे हाथ इसको साफ भी कर दे रही हूँ क्योंकि इस पर थोड़ा सा धूल जमा था। तो अभी इस पर भी मैं यहाँ पे एक कवर लगा दूंगी। तो सकते ये वह मेरा सिरेमिक पॉट है, तो अभी इसको भी थोड़ा सा साफ कर दे रही हूँ क्योंकि इस पर भी थोड़ा सा धूल जमा था। तो इस पर मैं साफ कर दूंगी। तो इसके बाद मैं यहाँ पे अभी इस मेरा स्नेक प्लांट है तो उसको मैं लगा दे रही हूँ दोस्तों, देख सकते हैं। अभी इस पर भी मैं एक मेरा स्नेक प्लांट बाहर से ला के इसको मैं यहाँ पे लगा दूंगी दोस्तों। तो दोस्तों अभी मेरा ये फाइनल लुक आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ क्योंकि मेरा पूरा सेट हो गया है दोस्तों। तो मैंने पूरा सेटिंग कर लिया है, तो अभी मैं आप लोगों को मेरा लिविंग रूम का फाइनल मेकओवर दिखाने जा रही हूँ दोस्तों। तो दोस्तों आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।